শামীম কলেজের হাউস নাম্বার LA 54, ব্লক 15, গুলশানে মুস্তফা, অ্যাভিয়েরিয়া, করাচি। দিস ইজ তারেক অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু টিচ ইউ লেসন 16, ইংলিশ সেন্টেন্সেস, কোয়েশ্চন অ্যান্ড আনসার্স ইন উর্দু। হাউ ইজ দি ওয়েদার দিয়ার? হাউ ইজ দি ওয়েদার দিয়ার? হাউ ইজ দি ওয়েদার দিয়ার? How is the weather there? How is the weather there? वहाँ का मौसम कैसा है? How is the weather there? वहाँ का मौसम कैसा है? How is the weather there? वहाँ का मौसम कैसा है? Generally it is hot. Generally it is hot. Generally it is hot. आर्जी तौर पर गरम है। आर्जी तौर पर गरम है। वॉट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? वॉट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? वॉट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? लोगों का खास कारोबार क्या है? लोगों का खास कारोबार क्या है? वॉट डू पीपल डू देयर? वॉट डू पीपल डू देयर? वहाँ लोग क्या करते हैं? इससे पहले आपको याद होगा, मैंने एक लेसन में, प्रीवियस लेसन में आपको पढ़ाया था, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। यहाँ पे क्या है, व्हाट डू पीपल डू देयर, वहाँ के लोग क्या करते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर? व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर? वहाँ, सॉरी, वहाँ कौन सी जबान बोली जाती है? व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर? वहाँ कौन सी जबान बोली जाती है? पीपल स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड अरबिक। पीपल स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड अरबिक। सॉरी, लोग इंग्लिश, उर्दू और अरबी बोलते हैं। यहाँ उर्दू में बोलते का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इट इज़ माई मिस्टेक, सो सॉरी। बट उर्दू से आपका कंसर्न नहीं है, आप तवज्जो दें किस पर, इंग्लिश पर। वॉट डज ही, वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहता है? Where does he live? वो कहाँ रहता है? Be here tomorrow. Be here tomorrow. Be here tomorrow. कल यहीं मिलना, कल यहीं होना। Here में ई नहीं है, sorry for this. Be here tomorrow. कल यहीं मिलना या यहीं होना। Run fast. Run fast. तेज दौड़ो या तेज भागो। जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। बस आई या बस आया। ये बस गाड़ी नहीं है, दूसरा बस है। वो कहते ना बस खामोश, वो वाला बस, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपनी हद पार मत करो। अपनी हद पार मत करो। Don't cross your limit. Be in your limit. Be in your limit. अपनी हद में रहो। Be in your limit. अपनी हद में रहो। What does he work? इससे पहले आपने पढ़ा था, What do you work? कि तुम क्या काम करते हो। यहाँ पे क्या है, What does he work? वो क्या काम करता है। What does he work? And I'm going to I'm going to read again, so please listen carefully. I will not repeat Urdu, so please listen carefully. How's the weather there? Generally, it is hot. What is the major occupation of the people? What do people do there? What language is spoken there? People speak English, Urdu, and Arabic. Where does he live? Where does he live? Be here tomorrow. Be here tomorrow.
run fast, just coming, don't cross your limit, be in your limit. What does he work? These are the most common sentences. ये बहुत आम जुमले हैं. So I hope you will learn. आप याद कर लेंगे, मैं उम्मीद करूँगा. So आते हैं हमारे golden word पर, क्योंकि मैंने एक वीक से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो इस वजह से, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं थी मेरी और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था मेरा. सो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने लेसन कंप्लीट करूँ सेंटेंसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं. मोर देन मुझे 500 वीडियोस बनानी है. इट इज़ माय ड्रीम टू मेक 500 वीडियोस लाइव. चले अपने गोल्डन वर्ड गोल्डन सेइंग पे चलते हैं, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो आज देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं अपने गोल्डन वर्ड से. इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको अपने ट्रांसलेट कैसे करनी है किसी भी पैरा की, या किसी भी कोट की, या किसी भी गोल्डन सेइंग की, या किसी भी मोबाइल मैसेज की. लाइफ एंड्स, जिंदगी ख़त्म हो जाती है. When you stop dreaming, life ends. When you stop dreaming, जिंदगी ख़त्म हो जाती है जब तुम ख्वाब देखना छोड़ देते हो, या ख्वाब देखना तर्क कर देते हो, तो जिंदगी ख़त्म हो जाती है. Hope ends, when you stop believing. इससे पहले हमने पढ़ा था, when you stop believing hopes and when you stop believing, और उम्मीद खत्म हो जाती है जब तुम यकीन करना छोड़ दो. Love ends when you stop caring. Love ends when you stop caring. प्यार ख़त्म हो जाता है जब तुम ख्याल रखना छोड़ देते हो. Friendship ends when you stop sharing. Friendship ends when you stop sharing. दोस्ती ख़त्म हो जाती है जब तुम बांटना छोड़ दो, या बातें शेयर करना छोड़ दो. सो शेयर दिस लेसन विद होम इवन यू कंसीडर एज अ फ्रेंड. ये सबक उन लोगों से शेयर करें जिसे आप सोचते हैं कि वो आपका दोस्त है, या जिसे आप कंसीडर करते हैं कि आपका दोस्त है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई 16 लेसन लाइव्स. एंड व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग होप्स, एंड व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग लव एंड्स, व्हेन यू स्टॉप केयरिंग फ्रेंडशिप, एंड व्हेन यू स्टॉप शेयरिंग. सो शेयर दिस लेसन विद होम इवन यू कंसीडर एज अ फ्रेंड. सो Hope you enjoy. Thank you for watching www.englishcourse.tk. English-language-online.blogspot.com. और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एंड अस्तला विस्ता.